स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फोटोकेमिस्ट्री लेक्चर में एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड का अध्ययन करेंगे। इससे पहले चैप्टर में हमने क्वांटम यील्ड के लिए विभिन्न डेफिनेशंस देखी थी। अब जो कंटेंट है इसके लिए वो है हमारे डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड। इसमें है प्रकाश के अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या या फोटोन की संख्या या प्रकाश तीव्रता का निर्धारण, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट मे बी डिटरमाइंड आइदर बाय थर्मोपाइल कोमा फोटो इलेक्ट्रिक सेल और एक्टिनोमीटर एज डिस्क्राइब्ड बिलो। नाउ द फर्स्ट, हमने पहला इसमें चुना है थर्मोपाइल। थर्मोपाइल की स्टडी में देखिए कि जो हमारे पास इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ अनलाइक मेटल्स विच आर कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। वन एंड ऑफ इट इज़ कोटेड विद लैम्प ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक एंड द अदर एंड इज़ कैप्ड एज सच। द थर्मोपाइल इज़ कैप्ड इन ग्लास और क्वार्ट्ज ग्लास। व्हेन द लाइट फ्रॉम ए रिएक्शन सेल इज इंसिडेंट अपॉन द ब्लैक सरफेस, इट इज हीटेड अप विच रिजल्ट्स ए डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक एंड अदर कोल्ड एंड। डज ए करंट फ्लो इन द सर्किट, दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। देखिए, थर्मोपाइल यानी ताप वैद्युत पाइल द्वारा प्रकाश तीव्रता का हम निर्धारण कर सकते हैं। पाइल में विभिन्न भिन्न भिन्न धातुओं जैसे कि बिस्मिथ है, चांदी की संधियों को एकांतरित श्रेणी में जोड़कर इस श्रेणी को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। संधि के एक छोर को काजल से काला कर देते हैं। पाइल की संधियों को प्रकाश से उद्भासित करने पर वे ऊर्जा का अवशोषण कर गर्म हो जाती हैं, वह ताप बढ़ जाता है जिसे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है जो प्रयुक्त प्रकाश की तीव्रता के संगत ही होता है। पाइल को पहले से ही निश्चित प्रकाश भेजकर कैलिब्रेट कर लेते हैं। ये हमारे पास थर्मोपाइल का छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में देखिए, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट हैज लिथियम और द मेटल लिथियम और सोडियम मेटल विच इज एनक्लोज इन ए वेसल। व्हेन लाइट रेडिएशंस आर इंसिडेंट अपॉन द मेटल इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड डेवलप्स ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड बाय द चेंज इन करंट इंटेंसिटी इन ए एमिटर। The intensity of current is proportional to the intensity of light। जो
प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा करते हैं। जब पराबैंगनी प्रकाश सक्रिय धातु जैसे कि सीजियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये हमारे पास सक्रिय धातु हैं, तो धातुओं में से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। इसके जो रिजल्ट से क्या होगा कि शेष धात्विक परमाणु धनात्मक हो जाएंगे, यानी जब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो शेष जो जो परमाणु वो क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का वेग अमीटर में परिवर्तित विद्युत धारा द्वारा नाप लेते हैं, यानी जब इलेक्ट्रॉन जब लगातार निकले जा रहे हैं और हमारे पास वहाँ पे अमीटर लगा हुआ है तो उसके द्वारा हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसमें विद्युत की धारा कितनी आ रही है। यह विद्युत धारा विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब हम देखते हैं कि बायकेमिकल एक्टिनोमीटर, ए केमिकल एक्टिनोमीटर में आल्सो बी यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। ए केमिकल एक्टिनोमीटर जनरली कंसिस्ट ऑफ गैस मिक्सचर और सॉल्यूशन विच आर सेंसिटिव टू हाई व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अपॉन दीज सब्सटेंसेस। ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द एक्सटेंट ऑफ विच इज ए डायरेक्ट मेजर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। सम इम्पॉर्टेंट एक्टिनोमीटर आर बुनसन एंड रोस्के एक्टिनोमीटर, एल्डर्स एक्टिनोमीटर, यूराइल ऑक्सिलेट एक्टिनोमीटर एक्सेट्रा। जो रासायनिक एक्टिनोमीटर, इसमें क्या होता है, इस विधि में किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ का चयन करके उसके विलयन में से प्रकाश को एक निश्चित समय के लिए गुजारा जाता है। प्रकाश गुजरने के पूर्व व बाद में पदार्थ का निर्धारण किसी भौतिक तथा रासायनिक जो जैसे कि अनुमापन, चालकता, वैभव मापी आदि द्वारा कर लेते हैं। पदार्थ की अपघटित मात्रा से प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर लिया जाता है। इसमें प्रयुक्त प्रकाश सुग्राही जो पदार्थ है को रासायनिक एक्टिनोमीटर तथा प्रक्रम को एक्टिनोमीट्री कहा जाता है, जैसे यूरेनिल ऑक्सिलेट एक्टिनोमीटर। अब हमारे पास क्या होता है कि जो यूरेनिल ऑक्सिलेट एक्टिनोमीटर है, ऑक्सिलिक यूरेनिल ऑक्सिलेट एक्टिनोमीटर में ऑक्सिलिक अम्ल जो कि यूरेनिल आयन का सुग्राही है का अपघटन होता है। इस एक्टिनोमीटर में 0.5 mg ऑक्सिलिक अम्ल और 0.01 mg यूरेनिल सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। इस विलयन पर जो अपने लगभग 250 nm से 400 nm पर इसका पराबैंगनी प्रकाश गिराया जाता है, तो जो अपने पास यूरेनियम जो आयन है अवशोषित ऊर्जा को विलयन में अपघटित ऑक्सिलिक मात्रा की अम्ल की मात्रा का निर्धारण विलयन को प्रकाश से उद्भासित करने से पूर्व व बाद में केमिनोफोर से अनुमापन कर ज्ञात कर लिया जाता है। परमैंगनेट का यूरेनियल आयन को प्रभावित नहीं करते हैं। इस अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता कितनी है, लगभग 0.57। अतः इस अपघटित ऑक्सिलिक अम्ल की मात्रा से अवशोषित फोटोन की संख्या या प्रकाश की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। यह सभी जो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश ही सभी प्रयोगों में मोनोक्रोमेटिक प्रकाश ही प्रयुक्त करना चाहिए, इसके लिए मोनोक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और यूरेनिल एक्टिनोमीटर के अलावा फेरी ऑक्सिलेट, रेनी लवण है, एबरक्रोम है आदि का उपयोग करते हैं।
दिस एक्टिनोमीटर कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.05 एम ऑक्सैलिक एसिड एंड 0.0 एम यूराइल सल्फेट इन वाटर. व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 250 to 440 nm इंसिडेंट अपॉन इट ऑक्सैलिक एसिड अंडरगोज डिसोसिएशन टू फॉर्म CO, H2O एंड CO2. The extent of the decomposition of oxalic acid is a measure of intensity of light absorbed. The process of the reaction is determined by titrating it with kaminophore before and after the exposure. ये देखो हमारे U2+2 इस पे फोटोन का गिरना, ये एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे. सक्रिय एक्टिवेट होने के बाद ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये इससे रिएक्शन कर रहा है, जिसे UO2+2 आयन का निर्माण CO2+ और CO2 का निर्माण हुआ है. तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल एक्टिनोमीटर. थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे. नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटोकेमिकल सेल रिएक्शन की स्टडी करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.